हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज की वीडियो में स्पेशल डिनर की तैयारी कर रही हूँ फॉर स्पेशल गेस्ट, क्योंकि आज हमने विद फैमिली इनवाइट किया है न्यूली वेडिंग कपल को। इनकी मैरिज के कुछ क्लिप्स मैंने अपने एक व्लॉग में डाले थे और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मौसम आज काफ़ी अच्छा है तो किचन में काम करना भी ईजी रहेगा। तो प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दी थी मॉर्निंग से ही। बटर चिकन के लिए चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ विद जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट एंड रेड चिलीज के साथ। वेजिटेरियन व्यूवर्स इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा दही में ही मैरिनेट करती हूँ और बिना फ्राई किए ग्रेवी में डाल देती हूँ, बट आज कुछ अलग ट्राई करते हैं और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। काम के बीच में ही बेटे को PVR ड्रॉप करने जाना पड़ा क्योंकि उसने ऑलरेडी स्पाइडरमैन होमकमिंग की टिकट बुक करवा रखी थी। वापिस आके पहले कस्टर्ड रेडी कर रही हूँ ताकि फ्रूट्स डालने तक वो अच्छे से ठंडा हो जाए। मैंने यहाँ 2 लीटर के करीब दूध लिया है और उसी में से थोड़ा सा दूध मैं अलग से निकाल दूंगी एक मग में, क्योंकि हम इसमें पहले कस्टर्ड ऐड करेंगे और अब बाकी के मिल्क में हम डाल देंगे इलायची पाउडर। और जो दूध हमने ऑलरेडी कप में निकाल के रखा है उसमें 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ मैं कस्टर्ड पाउडर के। अब इसे अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। दूध में थोड़ी सी फ्रेश मलाई भी ऐड कर रही हूं क्योंकि फुल फैट मिल्क से कस्टर्ड और भी ज्यादा अच्छा बनता है। इसे अब कंटिन्यूसली हिलाते रहें, लेकिन इसको ज्यादा गर्म नहीं होने देना है, थोड़ा सा वार्म होगा। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और साथ ही जो कस्टर्ड हमने कप में मिक्स करके रखा है उसको भी हम इसी टाइम डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्म अगर दूध में हम ये कस्टर्ड डालेंगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे। जितनी अर्ली आप ये सारी चीज़ें डाल के इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे उतना ही आपका कस्टर्ड ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि कस्टर्ड में बबल्स आने शुरू हो गए हैं और जो कस्टर्ड बर्तन की वॉल्स के साथ चिपक रहा है उसे भी आप साथ साथ निकालते रहें। और इस कंडीशन में आपको कर देना है अपना फ्लेम लो और 1-1.5 मिनट तक और इसको हिलाते हुए पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि इस कस्टर्ड में आपको कोई भी लम्स बना हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके कस्टर्ड में कोई लम्स आपको नज़र आता है तो आप एग बीटर की हेल्प ले सकते हैं। बहुत बड़े बड़े बबल आने लगे कस्टर्ड में तो कस्टर्ड आपका रेडी है। गैस को कर दें बंद और इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे पंखे के नीचे, ताकि इसको बाद में फिर मैं फ्रिज में रख सकूं। क्योंकि आज का मेन्यू थोड़ा बड़ा है तो मैंने डेजर्ट के लिए बहुत ही सिंपल सी डिश चूज़ की है। कस्टर्ड बनाना बहुत ही ईजी होता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है और मेरे बच्चों का फेवरेट भी है। कस्टर्ड मेरा रेडी है तो अब मैं करूंगी पनीर को मैरिनेट, क्योंकि मुझे बनाना है पनीर 65, तो इतने इतने पीसीज आपको इसके लिए चाहिए होंगे। बेटे को छोड़ के आने के बाद मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, तो इसको मैरिनेट करने के बाद मैं पहले कपड़े चेंज करने जाऊंगी। पहले चिकन को मैरिनेट किया, अब पनीर को कर रही हूँ। ऐसी डिशेज हमारा टाइम ज़रूर थोड़ा ज़्यादा ले लेती हैं, बट इनका टेस्ट भी बहुत बेहतर होता है और हॉस्पिटैलिटी में टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती। पनीर के सारे पीसेस को एक बाउल में डालने के बाद इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कड़ी पत्ता जिनको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही ऐड करूँगी थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लावर, और इन सब चीज़ों के साथ पनीर की अच्छे से कोटिंग करनी है। साथ ही ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस और पानी, ताकि इसको अच्छे से मिक्स किया जा सके। ध्यान रहे कि पनीर के हर पीस पे मसाला अच्छे से कोट हो जाए, क्योंकि 2 घंटे के बाद हमने फिर इन्हें डीप फ्राई करना है।
कपड़े चेंज करके और आधे घंटे का एक नैप लेके वापस आ गई हूँ किचन में, क्योंकि इसके बाद मुझे कंटिन्यूसली काम करना है। तो सबसे पहले आते ही मैंने चढ़ा दिए हैं राजमा, क्योंकि राजमा और राइस भी बना रही हूँ मैं, और साथ ही इसमें ऐड किया है सॉल्ट और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से थोड़े फ्लफी बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो प्लीज़ ना डालें। रेड चिली पाउडर का यूज़ मैं अपने डेली के खाने में बहुत ही कम करती हूँ, लेकिन जब इस तरह का हम स्पेशल डिनर या लंच प्लान करते हैं तो वो खाना फिर थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। बेटे की ड्यूटी लगी है डाइनिंग टेबल सेट करने की। कस्टर्ड पाउडर में फॉइल पेपर लगाना भूल गई थी, क्योंकि अगर फॉइल पेपर नहीं लगा होगा तो इसमें ऊपर पपड़ी जमना शुरू हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगती है कस्टर्ड में, तो इसलिए फॉइल पेपर लगा के अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। जैस्मिन रेडी कर रही है पनीर के लिए अनियंस, और मम्मा को मैंने दिए हैं कैप्सिकम कट करने के लिए। तेल हो गया है गरम, अब मैं इसमें डालती जाऊंगी पनीर के पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, और इसको हम डीप फ्राई करेंगे इसके ब्राउन होने तक। जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ बनाते हैं तो किचन में बहुत मेस हो जाता है, और बेटे की ड्यूटी लगाई है कि वो साथ साथ किचन क्लीन करता रहे। पनीर को हमने इतना फ्राई करना है कि वो ब्राउन तो हो जाए लेकिन जले नहीं, अगर वो ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, तो आपका पनीर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पनीर अंदर से बिल्कुल स्पॉन्जी टाइप है और बाहर से ब्राउन हो चुका है। पनीर के लिए तड़का रेडी करेंगे, उसके लिए ऑयल में सबसे पहले डाला है जीरा, कड़ी पत्ता, साथ ही डाल देंगे इसमें ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए अनियंस और कैप्सिकम। पनीर के लिए ग्रेवी भी रेडी करेंगे, उसके लिए एक कप में मैंने डाला है थोड़ा सा दही, और साथ ही ऐड कर रही हूँ एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और रेड चिली पाउडर। कॉर्नफ्लोर इसलिए ऐड किया है क्योंकि गर्म होते ही दही फट ना जाए। अब मम्मा ने लिया है चार्ज पनीर को फ्राई करने का, ताकि मैं बाकी की चीज़ों को रेडी कर सकूँ। 7 बजे का टाइम है गेस्ट के आने का, और अभी बजे हैं शाम के 4, तो आराम से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अनियन और कैप्सिकम सॉटे हो चुके हैं, अब मैंने डाली है इसमें स्वीट चिली सॉस, और साथ ही ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे दही और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। जैसे ही इस मिक्सचर में उबाला आने लगे तब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली का पेस्ट, और साथ ही इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए सारे पनीर के पीसेस, और इनको कोट कर देंगे ग्रेवी के साथ। कॉर्नफ्लोर से ग्रेवी काफ़ी थिक बनती है, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब राजमा, मशरूम मसाला और बटर चिकन के लिए जितना भी अनियन मुझे चाहिए वो मैं एक साथ ही चॉप करके रख लूँगी, ताकि एक साथ 2-3 चीज़ें तैयार कर सकूँ। मशरूम मसाला के लिए ऑयल में सबसे पहले जीरा और उसके बाद अनियन ऐड किया है, देन यू कैन ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट। दूसरी तरफ मशरूम के 1/2 इंच के स्लाइसेस काट के रख लूँगी। कभी भी हो मशरूम को कुक करने से जस्ट पहले ही वॉश और कट करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत स्लाइमी से हो जाते हैं। अगर हम किसी शेफ़ की बात सुने तो कभी मशरूम को वॉश नहीं करते हैं, जस्ट कपड़े से उसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वॉश करने से मशरूम का टेस्ट ख़राब हो जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते।
अनियन अब ब्राउन हो चुका है, अब मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, साथ ही कटे हुए टमाटर, कैप्सिकम काट रही हूँ बारीक बारीक क्योंकि मुझे मशरूम मसाला में कैप्सिकम भी ऐड करनी है। कैप्सिकम के साथ साथ ऐड कर रही हूँ फ्रोज़न पीस इसके टेस्ट को और बेटर करने के लिए, और साथ ही ऐड कर देंगे कटे हुए मशरूम। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देन ऐड गरम मसाला एंड डेकोरेट विद कोरिएंडर लीव। राजमा में मेथी सीड्स, जीरा और धनिया पाउडर के अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। हल्का सॉटे करने के बाद डाल रही हूँ मैं चॉप्ड अनियंस। बहुत ज़्यादा साबुत मसाले लाइक बड़ी इलायची या क्लोव्स वगैरह नहीं डाले हैं क्योंकि एंड में राजमा मसाला ऐड करूँगी जिसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें होती ही हैं। टर्मरिक पाउडर एंड देन टमाटोज, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर डालते वक्त मैं प्ले करना भूल गई थी, अब इसे अच्छे से भूनने के बाद ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद आपके पास एक ग्रेवी रेडी हो जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए राजमा, देन राजमा मसाला और डेकोरेट करेंगे विद कोरिएंडर लीव। चलिए अब सैलड रेडी कर लेते हैं। बना रही हूँ मैक्रोनी सैलड। मैक्रोनी सैलड बनाने के लिए पहले पानी में थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल डाल के इसे बॉईल करेंगे। मैक्रोनी सॉफ्ट हो जाए तो इसके पानी को हम कर देंगे ड्रेन और उसमें डालेंगे हम ठंडा पानी ताकि ये आपस में स्टिक ना हो। उसके बाद रेडी करेंगे इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए मैंने लिए हैं 2 चीज़ क्यूब्स जिसको फोक की हेल्प से मैं कर रही हूँ मैश। उसके बाद इसमें डालेंगे हम क्रीम। साथ साथ आप इसको अच्छे से मिक्स भी करते जाएं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ऑफ मेयोनीज, 2 बड़े चम्मच दही के, साथ ही ऐड करेंगे स्वीट चिली सॉस, हनी डालेंगे थोड़ा सा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे बॉयल की हुई मैक्रोनी। ब्लैक ऑलिव्स डाल रही हूँ और साथ ही डाल रही हूँ इसमें स्वीट कॉर्न्स। सॉल्ट डालेंगे इसमें पर बहुत ही लाइट, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पर्पल कैबेज। आप चाहें तो ग्रीन कैबेज यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और आपका सैलड रेडी है। सब कुछ रेडी है और लास्ट में बनाऊंगी बटर चिकन। उसके लिए मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को शेलो फ्राई कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे सभी साइड से हम इसको अच्छे से पकाते जाएंगे। साथ के साथ बना लेंगे बटर चिकन की ग्रेवी। तेल में सबसे पहले डालेंगे बड़ी इलायची और लौंग, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हल्का सा सॉटे करेंगे और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे थोड़े से अनियन। अनियन का यूज़ मैंने कम ही किया है क्योंकि ज़्यादातर इसकी ग्रेवी टमाटोज़ के साथ ही रेडी होती है। अनियन थोड़े से ब्राउन हो जाए उसमें डाल देंगे नमक, हल्दी और साथ ही डालेंगे लाल मिर्च। थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ देगी मिर्च कलर के लिए, साथ ही इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। एक तरफ ग्रेवी रेडी हो रही है, दूसरी तरफ चिकन भी फ्राई हो रहा है। प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेने के बाद उसे कर लिया है हमने ग्राइंड। अब इसमें मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे बटर क्योंकि बटर ज़रूरी होता है बटर चिकन के लिए। बस अब डाल देंगे इसमें फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस।
पाँच से सात मिनट तक चिकन को अच्छे से ग्रेवी में पकने दें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। और गार्निश करेंगे विद कसूरी मेथी। मेरा किचन इस वक्त खुशबू के साथ भर चुका है, लेकिन बनाते बनाते मेरी भूख मर चुकी है। राजमा के साथ चपाती की जगह पर राइस ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से मटर, जीरा और सॉल्ट डाल के चढ़ा दिए हैं राइस, और ऑलमोस्ट मेरा कुकिंग वर्क ख़त्म हो चुका है। चपातियाँ थोड़ी देर में गर्म गर्म ही लगाऊंगी। मिस्टर उदय प्रताप सिंह देख रहे हैं टीवी, तो उनके हाथ में मैंने पकड़ा दिए हैं अनार, ताकि टीवी देखते हुए बच्चा कुछ काम भी निपटा दे। कस्टर्ड काफ़ी घंटों से फ्रिज में है और पूरी तरह से चिल्ड हो चुका है। अब इसे गार्निश कर रही हूँ मैं फ्रूट्स के साथ। आप अपनी मनपसंद के फ्रूट इसमें डाल के इसे इंजॉय कर सकते हैं। सारा काम ख़त्म हो चुका है, अब फटाफट मैं चेंज करूँगी और हम वेट करेंगे गेस्ट्स की। वो शाम बहुत हसीन थी, सबके साथ इतनी गपशप और इंजॉयमेंट में थकावट कब उतर गई पता भी नहीं चला। मैं चपातियां लगाने लगी तो मामी जी चपातियां सेकने के लिए किचन में आ गए। सोचा कि काम के साथ साथ गपशप चलती रहे। मेरी मेहनत रंग लाई क्योंकि खाना सबको बहुत पसंद आया। लेकिन मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो पता चलेगा आपके लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। Take care and stay healthy.